जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो लगातार उन लोगों को जो है दबाने का काम कर रही है, कुचलने का काम कर रही है। तो इस प्रकार के किसी के घर में घुस करके इससे बड़ी कायराना हरकत और ये स्थापित करना कि अब उनका वर्चस्व बचा नहीं है और वो टारगेटेड किलिंग का काम करने की जो उन्होंने कोशिश की है। नहीं नहीं, देखिए बीडीसी को और सशक्त करने की आवश्यकता है। बीडीसी के जितने भी जो विलेज डिफेंस कमेटीज हैं उनको और सशक्त करके इस प्रकार के कायराना हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये पूरा जम्मू कश्मीर का एक एक व्यक्ति आज सड़कों पर उतरा है। आपने देखा रियासी में युवा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले से हो रही है, आखिर ये रुकेगी कब? सवाल ये, देखिए ये नहीं, देखिए ये मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान जिस प्रकार से लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जो नॉर्मल हुई है, किस प्रकार से जो है आम लोगों के हाथ में वो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने का प्रयास जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो लगातार चल रहा है। सेना से नहीं, देखिए देखिए पाकिस्तान प्रायोजित, देखिए ये हमारी पुलिस, भारतीय सेना, उन्होंने नकेल उनकी कस के रखी है, उनकी गर्दन दबोचने का काम किया है। ये छटपटाहट में जो उन्होंने काम किया उनको ये भुगतना पड़ेगा। और पूरे इस प्रकार के जो भी पाकिस्तान के हमदर्द यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि आने वाले समय में भारतीय सेना का ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ऑपरेशन है, इन सबको नष्ट करके ध्वस्त करके इनको समाप्त करने के लिए पुलिस जो आगे बढ़ेगी। देखिए ये पाकिस्तान की तरफ से जो ये कायराना हरकत हुई है, ये हमारा जो एक बच्चा जो मात्र 4 साल का था उसका क्या दोष था इस देश के अंदर, उसका उसको भी जीने का हक था। जो आज ये एक और जो कायराना हरकत हुई है उसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी हरकत कोई करता है इस जम्मू कश्मीर के अंदर और देश के अंदर, तो आपने देखा कि जो युवा हैं और जो देशभक्त लोग हैं वो खुलकर बाहर आते हैं और उन लोगों के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। और खासकर हम देश की हथियार वापस लेने का फैसला गलत था। देखिए बीडीसी को सशक्त करने के लिए पिछले दिनों आपने देखा कि उनको सैलरी दी गई और उनको ही सशक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि वो एक सरकार का हिस्सा बनेंगे और हमारी जो बेल्ट फोर्सेस हैं, जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है, हमें उन पे गर्व है कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर को इस तरीके से संभाला हुआ है और देश के साथ उसको जोड़ा हुआ है। देखिए क्योंकि इंडायरेक्टली केंद्र के जरिए यहाँ की सत्ता चल रही है, जिम्मेवारी कौन लेगा? जब सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं तो आप अपनी छाती पीटते हैं, लेकिन अब जिम्मेवारी कौन लेगा? लेंगे आप? देखिए बिल्कुल देश की सरकार इसकी जिम्मेवारी भी लेती है। और आपने देखा कि उसका जो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट में जाकर स्ट्राइक की है वो इस देश की सरकार ने की है, मोदी सरकार ने की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो हरकत हुई है इसका भी करारा जवाब हमारी जो आर्मी है वो उसको देगी और ये पहले भी देती आई है। और उन लोगों को ये चेतावनी है हमारी देश की तरफ से, देश की सरकार की तरफ से और देश के आम नागरिकों की तरफ से कि आप संभल जाओ, नहीं तो आपको इस देश के अंदर आपको भारत माता की जय कहना पड़ेगा और भारत माता का झंडा ही उठाना पड़ेगा। और जो नारे देते थे, जो पुराने जमाने में जो नारे देते थे, एक विधान एक प्रधान चलेगा, वो आपने देखा कि 370-35 के बाद वो यहाँ पे हुआ। लेकिन आम लोग तो जाने तो जा रही है ना, आम लोग तो मर रहे हैं ना। आप क्या कहेंगे? आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, आम लोगों की हत्याएं लगातार हो रही है और दूसरी तरफ कहा जाता है सब नॉर्मल। देखिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और ये पाकिस्तान जो ये बुखला गया है, ये इतनी घटिया हरकतों पर आ गया है कि आपने देखा कि जो इन्होंने घर में जाकर घुसकर गोलियां चलाई, जो हरकतें की इन्होंने, ये माननीय मोदी जी और एलजी प्रशासन से हम ये अपील करेंगे कि इनको जिन्होंने ये कारण हरकत की है इनको इनके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। ये बहुत घटिया हरकत है, ये बुखला गए हैं और ये इसका ये मैं एलजी साहब से यही दरख्वास्त करूंगा कि इनको घर से निकाल कर और जला देना चाहिए, इनको चीर फाड़ कर देना चाहिए। जिस तरह से टारगेटिंग किले की जा रही है, क्या मानता है कहने कहीं सिस्टम फेल हुआ है और लोगों की जान? देखें सिस्टम ये फेल भी नहीं कहा जा सकता जितनी पहले
मिलिटेंसी थी, अब इतनी मिलिटेंसी तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं बुखलाए हैं। ये इनको जब हमारी इंडियन आर्मी इनको दबोचती है, मारती है, ये कहीं ना कहीं बुखलाकर आपने देखा कितनी घटिया हरकत की है। ये अब छोटे छोटे बच्चों पर उतर आए हैं और घर के मतलब पूछ पूछ कर जाने के गोली मार रहे हैं। ये बहुत घटिया सिस्टम है। और मैं 370 हटे हुए 3.5 साल के करीब समय हो गया, अब भी ऐसी घटनाएं हो रही है। जो दावेबाजी आपने किए थे उनका क्या हुआ? देखें, बात यह इस पर माननीय मोदी जी खरा उतर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग मर रहे हैं, देखें हम भी, देखें पार्टी पार्टी एक बात की बात आती है, हम भी आम आदमी हैं, सारे लोग मिलके यहाँ पे रोज प्रकट कर रहे हैं, सब यूनाइट है हम। और ये पूरे हर जिले में, पूरे प्रदेश में ये प्रोटेस्ट होंगे। और ये एलजी साहब से हम दरख्वास्त करते हैं आपके माध्यम से ही कि इनको दबोचा जाए, इनको गोलियों से शल्ली कर देना चाहिए मिल डंडा को। देखे हम अपील करेंगे ना, हम तो गवर्नर साहब से अपील करेंगे यहाँ पे। क्या लगता है कहीं नफरत फैलाने की भी कोशिश है, जिस तरह से टारगेट किलिंग लगातार की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा, और दूसरा आप जानते हैं कि हमारी केंद्र सरकार लगातार आतंकवाद को खत्म करने में लगी हुई है, और ये बौखलाहट है आतंकवादियों की जो इस तरह से टारगेट किलिंग कर रहे हैं। पहले आप देखते थे कि आप कांग्रेस में भी रहे हैं, उस समय भाजपा क्या कुछ कहती थी, भूल गए क्या? मेरे की जिम्मेवारी बिल्कुल, देखिए जो हमारा जो हम रोज प्रकट कर रहे हैं, बिल्कुल आपने देखा है 370 हटने के बाद जो पत्थरबाजी होती थी श्रीनगर में, जहाँ जो और घटनाएं होती थी, उसमें कितनी कमी आई है। और ये उनकी बुखलाहट है कि आज वो जो है वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। पहले टारगेट किलिंग नहीं करते थे, लेकिन जब से बड़े बड़े आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई हैं, तो इन्होंने लोगों को पकड़ना, छुप छुप के मारना शुरू कर दिया है। अगर उनमें हिम्मत है तो वो सामने आए, हमारी इंडियन आर्मी से मुकाबला करें। हमारी इंडियन आर्मी सशक्त है, और उनकी बुखलाहट हम भी मारेंगे, और उनके घर में घुस के मारेंगे, पहले भी मारा है फिर से मारेंगे। और यही बुखलाहट है कि वो लोगों को जो है वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका यही संदेश है नफरत फैलाने की। और हमारा जो हमारी सरकार का संदेश है, जो मोदी जी का संदेश है, वो लोगों में प्यार बांटने का संदेश है, और इस संदेश को हम कामयाब करके रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि जो घटना है रजौरी में जो घटी गई है, कांग्रेस की सरकार, आप सबसे आगे होते थे प्रदर्शनों में, आज भी आपकी सरकार है। देखो, इसमें राजनीति की बात नहीं है, जिम्मेवारी। सबसे बड़ा ये दुखद जो घटना घटी है, मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जहाँ जो केंद्र में सरकार बैठी है और ये बुखलाकर जो कर रहे हैं, ये जो केंद्र में सरकार है, आपने पिछले दिनों देखा कि सिद्धरा में जिस तरह से कुत्ते की मौत से मारे गए हैं, वो वही बुखलाहट ये निर्दोष लोगों को और छोटे छोटे बच्चों पर उतार रहे हैं। और ये समय दूर नहीं है, जिस तरह से पहले एयर स्ट्राइक हुई या सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और ये जल्दी से जल्दी दोबारा ये एक ऐसी स्ट्राइक होगी जिसका इनका जितना भी जो उग्रवाद का ये ढांचा रखा हुआ है पूरा ध्वस्त करेंगे। ये केंद्र सरकार बिल्कुल सशक्त सरकार है, हमारी सेना के हौसले बुलंद है, और ये जो दो कायर उग्रवादी जिन्होंने बच्चों को मारा है, और देर यानी बेजुबान जो बिल्कुल जो निर्दोष लोग जो गांव में रहते हैं उनको जो उन्होंने हत्या की है, इनका इनको जल्द से जल्दी मौत के घाट उतारा जाएगा। और ये आर्मी इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। ये युवा शक्ति, युवा शक्ति विद्यार्थी परिषद का एक जो आपके सामने आंदोलन था, मतलब मैं बात करूँ, ये आंदोलन ही है, जब तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं जाती है ये आंदोलन जारी रहेगा। वो हमें वो नहीं चाहिए, हमें 10 लाख रुपया नहीं चाहिए एलजी साहब से, हमें नौकरी नहीं चाहिए एलजी साहब से, 1 लाख रुपया भी नहीं चाहिए हमें वो। हमको भाई साहब बदल ही गया, ठीक है, एक 90s का दौर था जब आवाज नहीं उठी थी,
उनको वहां से मूव आउट होना पड़ा था कश्मीर से। ये आज का युवा है, ये 2023 का युवा है जो 90s का दौर वापस रिपीट होने नहीं देगा। अरे आतंकियों को जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम सीधी सी बात स्पष्ट करना कर देना चाहते हैं कि आधार कार्ड देख के किसी को हत्या करना ये बहुत ही निंदनीय है, चाहे वो कोई भी हो। मतलब स्पेशल मतलब 4 साल के बच्चे की क्या गलती थी, मैं सीधी बात, उसको तो पता भी नहीं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, ठीक है। सिस्टम फेल हुआ है। बात देखिए, जम्मू कश्मीर बदलते, जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं होनी चाहिए, क्या बदल रहा है जम्मू कश्मीर? और देखिए बदल तो रहा है, हम ये बात नहीं कह सकते बदल नहीं रहा, परिस्थितियों के साथ बदल रहा है। परंतु जो आतंकवादियों की तरफ से कायरता से हरकत की जा रही है, जैसे जिम्मेदार कौन? प्रशासन मैं हम नहीं लगा रहे ना, हम प्रशासन को कह रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी, हमें स्पष्ट कटाई होनी चाहिए और या नहीं। तो पहले भी तो देखिए ना, ये बदलता भारत ही है कि सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम एयर स्ट्राइक करते हैं, ये बदलता भारत ही है। आप ये नहीं कर सकते 90s में कब हुआ कि एयर स्ट्राइक हमको देखने को मिली? आईडी ब्लास्ट हुआ है सुबह, जिसमें 4 साल का एक छोटा सा बच्चा शहीद हो गया, 16 साल की बच्ची शहीद हो गई। मैं क्या देना कहता हूँ कि हमें वो 10 लाख नहीं चाहिए, सीधी सी बात। मैं एलजी साहब से क्या देना चाहता हूँ, हम प्रशासन से क्या देना, सिस्टम तो फेल हुआ है ना, क्योंकि हम लोग उस जगह को छोड़ रहे हैं जहाँ पे हमको जरूरत है देखने की, हम इस जगह को छोड़। रजौरी एक ऐसा शहर रह चुका है, पहले यहाँ पे आतंक गतिविधि होती रहती थी, ठीक है, एक टाइम पे होती रहती थी, परंतु आज हमारी कहाँ पे एजेंसीज कहाँ पे थी, ठीक है, एजेंसीज कहाँ पे थी जो कहती है कि हमें सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही, वो सूत्र कहाँ थे? अगर हम सिद्रा में अगर आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं, तो इतनी क्षमता हमारी इंडियन आर्मी में है कि वो जाके गंदा जगह है वहाँ पे भी उनका खात्मा कर सकती है, सीधी सी बात है। परंतु हमारी एलजी साहब क्या करते हैं, मैं सीधी से बात स्पष्ट कर, एलजी साहब के साथ आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। मैं कहता हूं कि रियासी के युवा को छोड़ दो, हम वही युवा हैं जिन रियासी के वही युवा हैं जहाँ पे जनरल जोरावर सिंह ने गिलगित बल्तिस्तान तक लद्दाख तक की जो थी पूरी बाउंड्रीज को बढ़ाया था, ठीक है, हम वही युवा हैं, हम उसी देश के रहने वाले, जैसे महाराणा प्रताप सिंह जैसे युवा थे, हम उसी देश के। ऐसे में सब नॉर्मल है 370 हटने के बाद या नहीं? 370 एक अलग विषय, इस समय हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे।